हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सबा परवीन। सबा डिशेस में आप सबका वेलकम करती हूँ। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल मंचूरिया। चलिए इसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। एक छोटा गोभी जिसे मैंने फाइनली चॉप्ड किया है, बिल्कुल फाइनली चॉप्ड होनी चाहिए ये। लहसुन 8 से 10 कलियाँ फाइनली चॉप्ड किए हुए, थोड़ी सी शिमला मिर्च क्यूब्स में कटी हुई, एक छोटी डली प्याज चॉप्ड किए हुए, 2 हरी मिर्च वो भी चॉप्ड किए हुए, थोड़ी सी कोथमीर, नमक हम लेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून अदरक लहसुन। मैदा हम ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करेंगे और कॉर्नफ्लोर भी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करेंगे। इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है हमको, बिल्कुल बैंडिंग के लिए यूज़ करना है। सोया सॉस हम लेंगे 1 टीस्पून और चिल्ली सॉस लेंगे हम रेड चिल्ली सॉस 2 टीस्पून, टमाटो केचप लेंगे 2 टेबलस्पून, विनेगर हम लेंगे 1 टेबलस्पून। चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए एक बड़े से बर्तन में सबसे पहले गोभी डाल लेंगे। अब इसमें अदरक लहसुन, काली मिर्च, लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। चलिए अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब इसमें मैदा डाल देंगे, ये 1 टेबलस्पून है, ये ज़रूरत के हिसाब से हम इसे डालेंगे, 2 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। पहले इसे मिक्स करके देखेंगे, ज़रूरत पड़े तो और यूज़ करेंगे मैदा और कॉर्नफ्लोर। अब इसमें थोड़ी कोथमीर ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे से भून लीजिए हाथों की मदद से। थोड़ा 1/2 टेबल स्पून और मैदा डालेंगे और थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। चलिए अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। मंचूरिया को हमेशा छोटे से साइज में बनाइए ताकि वो अच्छे से डीप फ्राई हो सके और अंदर कच्चे भी ना रहें। चलिए सारे मंचूरिया हम रेडी कर लिए हैं। अब इसे डीप फ्राई करेंगे लेकिन मीडियम फ्लेम पर। इसे 2 बार हमें फ्राई करना पड़ेगा। फर्स्ट हम मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई कर लेंगे। चलिए ये हल्के से ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। तकरीबन ये 40-50% गोल्डन फ्राई हो गए हैं। इसे कुछ देर रख कर फिर से हम इसे फ्राई करना पड़ेगा। इसे 5-10 मिनट्स के बाद फिर से हम फ्राई करेंगे। चलिए 5-10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे फिर से फ्राई कर लेंगे।
इसे हम तेज़ आंच पर ही फ्राई कर लेंगे। अब इसे हम ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए ये अच्छे से अब गोल्डन हो गए हैं। अब हम इसे फिर से निकाल लेंगे। चलिए अब उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे। अब उस पर लहसुन डालेंगे। लहसुन को एक दो तीन मिनट भूनकर अब उसमें हरी मिर्च और प्याज भून लेंगे एक दो चार सेकंड। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है। दो चार सेकंड भूनते ही हम इसमें शिमला मिर्च डाल लेंगे। शिमला मिर्च को भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा उसका थोड़ा सा उसको सॉफ्ट होने देना है, ज़्यादा नहीं। चलिए अब इसमें सबसे पहले टमाटर केचप डालेंगे। दो टीस्पून सोया सॉस, एक टीस्पून विनेगर, एक टेबलस्पून। चिल्ली सॉस को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास चिल्ली ज़्यादा खाते हैं इसलिए मैं दो टीस्पून चिल्ली सॉस का यूज़ करी हूँ। अब इसके बाद अब इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डालेंगे। थोड़ा सा नमक। अब इसमें पानी ऐड कर लेंगे। थोड़ा पानी, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल थोड़ा पानी डालना है। अब एक कटोरी में थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लेंगे। चलिए अब इसमें हम ज़रूरत के मुताबिक इसे ऐड कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा और कॉर्नफ्लोर, बस काफ़ी है इतना। चलिए अब सारे बॉल्स इसमें हम मिक्स कर लेंगे। कुछ सेकंड इसमें पका लेंगे, फिर सर्व कर लेंगे। चलिए वेजिटेबल मंचूरिया हमारा रेडी हो गया है। आप चाहे तो कुछ और वेजिटेबल भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, ज़रूर ट्राई कीजिए इसे।